चलिए बात करते हैं एक ऐसे सितारे की जिसने देश भर की आंखों को नम कर दिया है। अपनी एक्टिंग से रूपले पर्दे में जान डाल देने वाले बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हो गया। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार 98 साल के थे। वो काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। 1944 में फिल्म ज्वारभाटा से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले दिलीप कुमार धूमकेतु की तरह फिल्मी पर्दे पर चमकते ही चले गए। आज शाम 5 बजे मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और देश भर से आपको बता दें, संवेदना प्रकट की जा रही है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए उनको याद किया है। सायरा बानो जी से उन्होंने बातचीत की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उनको याद किया है और बॉलीवुड की तमाम हस्तियां एक के बाद एक ट्वीट करके उनको याद कर रही हैं। सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दिलीप साहब ने आखिरी सांस ली और राष्ट्रपति जी लिखते हैं, दिलीप कुमार जी को उभरते भारतीय सिनेमा में एक इतिहास की तरह याद किया जाएगा। उनकी मृत्यु के साथ एक युग का अंत हो गया। दिलीप साहब भारतीयों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने उनको याद किया है। प्रधानमंत्री लिखते हैं, दिलीप कुमार जी सिनेमा के दिग्गज के रूप में हमेशा अमर रहेंगे। वो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, इसीलिए उनके असंख्य फैंस थे। उनकी मृत्यु एक बहुत बड़ा झटका। उनके परिवार और चाहने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड के तमाम हस्तियों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और ट्वीट किया है। बिग बी लिखते हैं, एक संस्थान हमें छोड़कर चला गया। जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें दिलीप कुमार से पहले दिलीप कुमार के बाद का अध्याय जोड़ा जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है दिलीप कुमार को। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और तमाम तरह के रिएक्शंस हम देख रहे हैं बॉलीवुड से। आम लोग भी ट्विटर पर एक के बाद एक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, दिलीप कुमार जी के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। भारतीय सिनेमा में उनका अद्भुत योगदान था, कई पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाएगा। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। तो फिल्मी करियर की बात करें तो साल 1944 में इनकी फिल्म रिलीज हुई ज्वारभाटा, उसमें ये डेब्यू करते हैं। शुरुआती फिल्मों में तो हालांकि इनको सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन पहली फिल्म अगर आपके जहन में हो, उसमें इनकी जोड़ी थी नूर जहां के साथ, जो सुपर डुपर हिट हुई। मुगले आजम उस वक्त की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अगस्त 1960 में रिलीज़ होती है और सबसे महंगी लागत वाली फिल्म थी इनकी। एक एक डायलॉग हर किसी के जहन में ताज़ा है। 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ इनको नवाजा गया। सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने वाले दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। साल 1991 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 2015 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया। 1994 में 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। साल 2000 और साल 2006 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी बने। 1998 में पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित भी किया गया।